हमारे भीतर यह भाव प्रकट हो जाता है कि हम शुमहापुराण की कथा तक जा रहे हैं, हमारे भीतर यह भाव प्रकट हो जाता है कि हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मानकर चल जाए, ये विचार कर चल जाए कि ये तुम्हारे भीतर भगवान शिव जिसका कोई भी नहीं कर सकता, शंकर के सिवा कोई भी प्रयास नहीं कर सकता। भगवान शिव के, भगवान शंकर के सिवा तुम्हें यहां तक शिवालय तक, देवालय तक, भगवान शंकर की कथा तक कोई भेजने वाला यदि है, शिव की कथा तक अगर कोई भेजने वाला है तो वो कोई दूसरा नहीं, भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के देवालय तक, शिव महापुराण तक कोई दूसरा नहीं भेजता। वहां तक हमारे भीतर जो शिव विराजमान है, हमारे हृदय में जो शंकर विराजमान है, वही हमें भगवान शंकर की कथा तक लेकर आते हैं और वही हमें शिव मंदिर तक लेकर जाते हैं। शिव मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक, शंकर के द्वार तक, शिव की चौखट तक, शंकर की करुणा तक आप और हम नहीं पहुंच सकते, आप और हम नहीं जा सकते, बस उसकी कृपा, उसकी करुणा होती है, उसकी उदारता होती है, उसकी दया होती है, तो आप और हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंच पाते हैं। भगवान शंकर की, इसको सही करिए ना शंभू, चार दिन हो गए आप लोगों से, तीन दिन में साउंड ठीक नहीं हो रहा था। भगवान देवदत्त महादेव की प्रेशर बढ़ाई, बड़ा प्रेशर जिससे पब्लिक को सुनाई दे थोड़ा बहुत। भगवान देवदत्त महादेव की, भगवान शिव की कृपा करुणा, उनकी उदारता जब तक ना हो, आप एक कदम भी चलकर भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। शिव की कथा, शंकर की कथा में, शंकर की उदारता में, शंकर भगवान की शिवालय तक, देवालय तक, उसकी करुणा तक जाना भगवान शंकर की कृपा से ही जा पाता। और तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करो मैं काको के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू, बखान क्या करो मैं नाथों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण दुनिया आपके समय के साथ चलती है, संपूर्ण दुनिया आपके समय के साथ चल रही है। समय अच्छा है, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। संपूर्ण दुनिया आपके समय के अनुसार चल रही है, समय के साथ चल रही है। समय अच्छा है, सब आपके साथ। समय चक्र थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ पड़ा, समय चक्र अगर थोड़ा सा भी बिगड़ा, समय चक्र अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ,
तो सबसे पहले जो अपने होते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदारों, अपने कुटुंबियों, अपने परिवार वालों, अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, वो धीरे 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 साथ छोड़ देते हैं, धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। समय ठीक है सब साथ, समय ठीक नहीं है सब साथ छोड़ देते हैं। फिर कोई साथ देने वाला नहीं रहता, फिर कोई तुम्हारा साथ निभाने वाला नहीं रहता। समय की अवस्था, समय का चक्र आपके रिश्ते बना देते हैं। समय का चक्र आपके इससे क्या होने वाला है, यही सेट नहीं हो रहा है। लाखों के ढेर का चपटी भूत में आपका समय का चक्र, समय के साथ में आपका समय ठीक है, समय ठीक चल रहा है तो आपके साथ में सब सब। जैसे ही समय गड़बड़ हुआ, समय बिगड़ा, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार सब सब छोड़ कर चले गए, सब 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 महापुराण की कथा करते, तब भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान देवदत्त महादेव का चरित्र कहता है। उस समय पर समय जब बिगड़ता है तो कोई साथ नहीं देता, पर शिव महापुराण की कथा कहती है समय बिगड़ने पर जो तुमने एक लोटा जल देवदत्त महादेव को समर्पित करा है वो तुम्हारा साथ देकर चले जाता है और तुम्हारा हाथ पकड़ कर। समय का चक्र नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार सब कुछ छुड़वा देता है। समय का चक्र हमारे सारे संबंध, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार को छुड़वा देते हैं। पर जब समय का चक्र बिगड़ता है, समय का चक्र जब बिगड़ता है तब उस समय पर कोई साथ नहीं रहता। तब हमने जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है, जब हमने भगवान शंकर की कथा को श्रवण किया है, तब हमने जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित किया है, तब हमने जो भगवान शंकर की भक्ति को किया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, ओम नमः शिवाय बोला है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला है, वो शिव नाम, वो भगवान का भजन, वो कीर्तन, वो मंत्र जाप, वो नाम जाप हमारा साथ निभा देता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, अपनी वाणी की श्रेष्ठता एक कौवा भी बोलता है और एक कोयल भी बोल बोलती है। हापुड़ नगर की इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा नवरात्र में 5 दिवसीय श्रवण कर एक कौवा भी बोलता है, एक कोयल भी बोल बोल, दोनों बोल बोल, कौवा भी बोल रहा है कोयल भी बोल बोल। कौवे ने किसी का बुरा किया क्या, जम के बोले जाए कौवा आपका कोई बुरा कर कर गया, कौवा आपका कोई काम बिगाड़ कर गया, कौवा आपको कभी कोई अपशब्द कह कर गया, कौवा क्या आपको गाली दे कर गया, कौवा क्या आपको आड़ा टेढ़ा बोल कर गया। कौवा और कोयल दोनों बोल बोल, शांति रखो, कौवा और कोयल दोनों बोल बोल। कौवा तुमसे कुछ बोला क्या, नहीं, कौवा तुमसे अपशब्द बोला, कौवा आपको ताने दिया, कौवा आपको गाली दिया, कौवा आपको आड़ा टेढ़ा बोला, कौवा यदि आपको अपशब्द बोला हो तो बताओ। कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई है। कितने लोग हैं जो कौवे को पालते हैं, बोलो रे हापुड़ वाले कौवा पालते हो क्या, नहीं कोई हमसे पूछे तो हम भी करेंगे कौवा क्या पालना। कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई है। और कोयल किसी का भला नहीं करी है, कोयल ने किसी को दो रोटी लाकर नहीं दी, कोयल ने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं करा, कोयल कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर अच्छा नहीं करी, कोयल ने तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाया, कोयल ने तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा, कोयल ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करा तो भी कोयल लोगों को अच्छी लगती है। कौवा बुरा लग रहा है, कोयल अच्छी लग रही है, कारण क्या,
कौए ने तुम्हारा बुरा नहीं करा तो भी वो बुरा है, कोयल ने तुम्हारा अच्छा नहीं करा तो भी वो अच्छी है। उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण, वो है कौए की वाणी और वो है कोयल की वाणी। कौआ जो बोलता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता और कोयल जो बोलती है वो लोगों को अच्छी लगती है। कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ लगता है, कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जिंदगी में जीवन में बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत तकलीफें भी आएंगी, बहुत दुख भी आएगा, बहुत परेशानियां भी आएंगी, सुख का दिन भी आएगा, दुख का दिन भी आएगा। संपूर्ण जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट, कहीं ना कहीं परेशानियां, कहीं ना कहीं तकलीफें, कहीं ना कहीं दुख, ये चलता रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में कितना भी कष्ट हो, दुनिया में कितना भी दुख तुम्हारे जीवन में आए, पर एक बात याद रखना कि कौए जैसी वाणी मत बोलना, कोयल जैसी वाणी बोलते रहना तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो। अपनी वाणी कोयल जैसा, अपनी वाणी को श्रेष्ठतम बनाना, और जब वाणी को श्रेष्ठतम बनाएंगे, जब वाणी की श्रेष्ठता उत्पन्न करेंगे तो अपने आप सब आपसे जुड़ते चले जाएंगे, सब आपके करीब में आते चले जाएंगे, सब आपके नजदीक में आते चले जाएंगे। और कहा वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। वो गया समय, आज के जमाने में लोग वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रयास करो, आप जितना अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छा रह सकते हो, जितनी अच्छी जिंदगी अपने घर में निकाल सकते हो, जितना अच्छा जीवन अपने आनंदमय घर में निकाल सकते हो, उतना निकालने का प्रयास। आप कहोगे गुरुजी अभी आप नाराज हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या कारण है? इसमें सुबह 8 बजे से आप लोग पंडालों में जगह घेर घेर कर बैठे हो, सुबह 8 बजे से धूप चल चला रही है, पानी की बोतल भरने के लिए भी आप बाहर नहीं निकलते हो, अपने साथ बच्चों के लिए पानी बिस्कुट लेकर चलते हो, और उस बीच में भी अगर आप दोपहर में 2 बजे तक इंतजार करते हो कथा का, और 5 बजे तक एक जैसे बैठे रहते हो, और इतनी दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च कर कर ऑटो का गाड़ी का किराया लगाकर यहाँ तक पहुँचते हो, और अगर माइक के द्वारा अगर आपको कथा नहीं मिले तो उसमें दिल हमारा दुखता है। आपको श्रेष्ठ ना मिले तो हमारा मन, माइक वाला तो अपना पेमेंट लेगा चले जाएगा, टेंट वाला अपना पेमेंट लेगा चले जाएगा, सब अपना अपना खाता लिखेंगे और चले जाएंगे। पर जो आप आए, आपने जो समय लगाया है परमात्मा को देने के लिए, समय आए हो अपना अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर घर पर 4 दिन 5 दिन भगवान शंकर के विरल कथा को श्रवण करने के लिए आए, आप वो तो यह हापुड़ नगर के सभी श्रोता भाई बहन, हापुड़ नगर का एक एक बच्चा, और हापुड़ नगर का एक एक बच्चे से लेकर बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पत्रकार बंधु हो, प्रशासन हो, अगर ये खड़ी नहीं होती तो हमको लगता है कि 5 दिन की कथा भी पूरी नहीं होती। वो तो ये प्रशासन ने, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसएसपी महोदय, डीएम महोदय, जो भी कमिश्नर आदि, टीआई आदि जो भी लगे हुए हैं, वो अपने इस पूरी कथा को झेले हुए। और मैं आज शर्मा परिवार को, शिवा टूरिस्ट ढाबे को, उसके ओनर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस कथा के बीच में आकर आपने इस कथा को झेलने का प्रयास किया, उसके लिए साधु का। इस हापुड़ नगर का एक एक बच्चा पानी पिलाने के लिए आतुर खड़ा, इस हापुड़ नगर का एक एक बहने, एक एक भाई इस कथा को संजोने में लगी है कि यह कथा में इतना लाखों की संख्या में जो भक्त पहुंचे हैं, तो वो प्रेम से कथा का अस्तित्व ग्रहण करें। शिव तत्व आपके भीतर विराजमान, भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर विराजमान, शिव तत्व बैठे। कौआ कभी किसी का बुरा नहीं करता तो भी कौआ बुरा है, और कोयल किसी का भला नहीं करती तो भी कोयल अच्छी है। कारण है उसकी वाणी,
कितना भी सुख का समय आ जाए, कितना भी दुख का समय आ जाए, कितनी भी संपदा का समय आ जाए, चाहे कितना भी तकलीफ का समय आ जाए, आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपनी वाणी से मिठास कर दीजिए, आप अपनी वाणी से श्रेष्ठता दीजिए। एक बड़ी सुंदर कथा शिव महापुराण के अंदर आती है। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर उनके मायके लेकर जा रहे हैं, हिमालय राज के घर लेकर जा रहे हैं। माता पार्वती जी नंदी पर विराजमान है, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर जा रहे हैं, पार्वती जी मायके जा रही हैं, और मायके जाते 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 बीच में पार्वती जी ने शंकर भगवान से थोड़ी देर नंदी रोकने को कहा, बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे, बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे। भगवान को अड़ता नहीं, भगवान शंकर नंदी को रोकने के लिए नंदी को आदेश देते, नंदी रुको, नंदी रुक जा, प्रभु आ गया। आप हमें आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है हमारे। भगवान नंदी से कहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम कि क्या आज्ञा है, परंतु माता पार्वती जी कुछ कहना चाहती हैं। पार्वती मैया नंदी से नीचे उतर, भगवान ओगरदानी भगवान शंकर भी नंदी से नीचे उतर गए। पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव का हाथ पकड़कर एक वट वृक्ष की छांव में लेकर चले, एक वट वृक्ष की छांव। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, आप कर्जे में लगा लूम भी हो जाओ, कितना भी जिंदगी में कर्जा बढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर अपनी हिम्मत मत मत, अपनी हिम्मत मत हार। कर्जा बढ़ गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ बढ़ गई ना कोई बात नहीं, दुख बढ़ गया ना कोई बात नहीं, कष्ट बढ़ गया ना कोई बात नहीं। इससे पहले वाली कथा में नांदगांव महाराष्ट्र में हमने कहा था, समुद्र की लहर आती है, लहर मतलब होता है कि जो आई है वो जाए, समुद्र की लहर आती है चली जाती है, नदी की लहर आती है चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख तकलीफ कष्ट की भी लहर आती है, और एक ना एक दिन वो दुख और तकलीफ की लहर भी चली जाती है। आपका जो भीतर का विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो बल है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो भरोसा है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। जब हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ होता है, तब हम बड़ी से बड़ी तकलीफों को हरा सकते हैं। दुख की घड़ी में क्या करना है, तकलीफ की घड़ी में क्या करना है, शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है, बटेश्वर महादेव। कौन से महादेव है, जम के बोलो जरा, बटेश्वर। फिर एक बार वापस बोलिए, शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था, और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कट कर आगे गया, और सिर कट कर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया, जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ, और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटेश्वर महादेव, वो बटेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना, अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो, क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो, कर्जा हो गया मेहनत को चार गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपनी लगन को चार गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपने कर्म को चार गुना बढ़ा, और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो, और पड़े थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपने पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटेश्वर इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को चार गुना करना, अपने परिश्रम को चार गुना करना, अपनी लगन को चार गुना बढ़ाना, अपने कर्म को चार गुना करना, जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, चार गुना बढ़ा लीजिए, और फिर आगे बढ़ेगा, फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभालेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा, शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा।
शिव का नाम, हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, प्रैक्टिकल कर देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। और हमने पहले भी कथा में कहा कि प्रैक्टिकल जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में बोल रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी ने कहा भाई मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे समझेंगे आपके ऊपर है। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। सियोर वाले महाराज ने कहा हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं, सियोर वाले महाराज ने बोला हम जरा कर देखते हैं, और प्रयास करो एक बार प्रैक्टिकल जरूर करो। जिस दिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से एक लोटा जल भरो, बड़का पेड़ बड़का वृक्ष जहाँ हो वहाँ पहुँच जाओ, दो तीन मिनट हाथ में जल लेकर बैठो, और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। दो दिन तीन दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर, और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। और तेरे बिना प्रभु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। कुछ संभाल ले, आप उस पे आश्रित हो जाइए, आप उस पे समर्पित हो जाइए, आप उसका गुणगान करिए, आप उसका भजन करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए। बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे कह देगा तुम्हें बड़ी बीमारी हो गई है, शरीर में कष्ट है, दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर बोलेगा आपको दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना है। मान लो एकदम तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारी हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो तुम डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब ऑपरेशन मत करिए, थोड़ा दवाई दे दीजिए ना, दवाई से ठीक हो जाए तो अच्छी बात, बोलो सही है कि गलत है, एकदम तो ऑपरेशन नहीं करा लो। डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन मत करिए, थोड़ी दवाई दे दीजिए। डॉक्टर बोलेगा क्यों, अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरा रोग ठीक हो जाए, अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टर पूछेगा तुम ऑपरेशन कराओगी या दवाई खाओगी, तो उसमें से दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, ऑपरेशन मत करिए, क्योंकि ऑपरेशन करोगे तो शरीर बेकार होता चले जाता है, ऑपरेशन से शरीर बेकार हो जाता। डॉक्टर ने कहा मैं दवाई दे रहा हूं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना याद रखना इस दवाई को तीन टाइम खाना, सुबह दोपहर और जम के बोलो जरा शाम, ये दवाई तीन टाइम खाने की है, सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना। सुबह की दवाई को पानी से ले लेना, दोपहर की दवाई को भोजन के बाद ले लेना, और शाम की दवाई को सोने से पहले ले लेना। ये तीन दवाई मैं तुझे दे रहा हूँ, रेगुलर खाना, एक महीने तक खाना, एक महीने के बाद मैं जांच करूंगा कि ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है। एक महीने तक तुमने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब देखो मेरे को ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं, वृक्ष की छांव में पहुंच भगवान उगड़दानी बड़ी वृक्ष की छांव में पहुंच। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी का हाथ पकड़ा और बड़ वृक्ष की छांव में भगवान शंकर पहुंच गए। बोल पार्वती क्या कहना चाहती, बोलो माता पार्वती क्या बोलना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। क्या कहना है आप, अब पार्वती जी की एक तो नई नई तो शादी हुई और पहली बार तो मायके जा रही हैं, और मायके जब शादी होती है नई नई बहू आती है,
जब नया नया मंगल विवाह होता है बहू घर में आती है तो सास भी उसकी बहुत परीक्षा लेती है। मायके जाती है तो परिवार वाले भी उससे पूछ ही लेते हैं घर में सुख है कि नहीं, सास क्या बोली, ननन कुछ बोली तो नहीं, देवर देवरानी से कोई विवाद तो नहीं हुआ, घर में सब ठीक तो है, सब ठीक तो चल रहा है। नहीं नहीं, बेटी जब पहली बार घर आती है तो मायके वाले भी पूछते हैं और लड़की शादी होकर जब ससुराल जाती है तो सास भी पूछती है। ऐसा नहीं कि सास नहीं पूछती, पूछती है। एक नई नवेली बहू आई, एक नई नवेली बहू आई और सास ने उससे पूछ लिया। सास को मालूम था यह अंग्रेजी से खूब पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छी शिक्षा अध्ययन करा इसने, खूब उच्च शिक्षा अध्ययन करी है। तो सास ने अपनी बहू से काम करते करते पूछा, बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, तू पढ़ी लिखी है, तूने अंग्रेजी से पढ़ा है, तेरी शिक्षण योग्यता कितनी, हिंदी में बता। सास ने पूछा, तेरी शिक्षण योग्यता कितनी है, हिंदी में बता, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। क्या करा है तूने, क्या पढ़ाई करी तूने, कहां तक पढ़ी तूने, तेरी शिक्षण योग्यता क्या है, मुझे हिंदी में बता। अब बहू ने सिर पे पल्लू लेकर तुरंत कहा, मम्मी अब हिंदी में कैसे बताए। बहू तो बिचारी चक्कर खाई, पहले सोचा बिचारा कि मैं क्या बताऊं इसको, हिंदी में बताना है क्योंकि सास पढ़ी लिखी नहीं, अंग्रेजी जानती नहीं, तेरी शिक्षण योग्यता क्या है, हिंदी में बता। बहू ने बताया, नेत्र नेत्र चाचा। बहू ने क्या बताया, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र नेत्र चाय। सास ने पूछा, ये कौन सी शिक्षण योग्यता है। बहू बोली, मम्मी आई आई टी, ये कौन सी शिक्षण योग्यता है, तो कहा आई आई टी। सास ने माथा ठोका, हाथ जोड़े, तू जितनी पढ़ी लिखी वैसे बोल, तू हिंदी रह रहे, तेरी हिंदी मेरे को समझ में आने, क्योंकि उसने बोल दिया नेत्र नेत्र चाय, आई आई। सास समझ में आई, तेरे बस का। कई बार घर में बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हो जाती हैं, बहुत विचित्र विचित्र। एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते दादी के पास आ गया, ओ दादी ओ दादी। दादी बोली, क्या है, आज पड़ोस में है ना वो कालू, हाँ उसके घर में नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, पूड़ी बनी है, छोला की सब्जी बनी है। इतने में दादी बोली, बेटा उसकी जो दादी थी ना वो मर गई, तो उसका 13वां उसका 12वां है, इसलिए सब बना। इतने में बच्चे ने दादी की गोद में उनके गाल हिलाते हुए बोला, दादी अपने घर कब बनेगा। दादी ने एक घर कह दिया, मुझे निपटाने का प्लान कर रहा था, मुझे मारने के लिए। घर का भाव दूसरा रहता है। पार्वती जी हाथ पकड़कर शिव जी बटकेश्वर बड़के पेड़ के नीचे बैठ गए, बड़के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर ने पूछा पार्वती जी से, बताओ पार्वती जी क्या बात है, क्यों नंदी को रोका गया, मायके जाना क्यों नहीं चाहती, मायके क्यों नहीं जा रही है, रुको जरा बताओ। एक 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 गाना का एक एक गीत है, उस गीत में एक लाइन आती है, आप लोगों ने स्मरण करा होगा, ससुराल में इतना प्रेम मिले कि मायके के कभी, क्या है उसको क्या कहते हैं, ससुराल में इतना प्यार मिले मायके कभी ना याद आए, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार, ससुराल में इतना प्यार मिले मायके कभी ना याद आए। किसको याद नहीं आती मायके, जिसको ससुराल में अधिक अधिक प्रेम मिले, जिसको ससुराल में अधिक स्नेह मिले, जिसमें ससुराल में अधिक सम्मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, तो मायके की याद नहीं आती।
पार्वती जी को भगवान शंकर उनके मायके छोड़ने जा रहे हैं, मायके लेकर जा रहे हैं। पहली बार शादी होने के बाद पहली बार पार्वती जी मायके जा रही थी, पर उतर गई नंदी से नीचे और बट वृक्ष की छांव में चली गई। भगवान शंकर के साथ बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गई। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती तू मायके नहीं जाना चाहती, तू मायके नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन मायके जाने का नहीं। अब कई कई बहुएं ऐसी होती हैं कि पति उनसे पूछता है कि तुम मायके नहीं जा रही है? पत्नी कह रही है, मेरा मन अब की बार मायके जाने का नहीं। फिर पति थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, क्यों नहीं जा रही, क्या कारण हो गया? उसके सुध में नहीं आया। उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया कि तू मायके क्यों नहीं जाना चाहती, क्या हो गया, मायके क्यों नहीं जा रही है? इतने में पत्नी ने कह दिया, अब की बार मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ नैनीताल जाऊंगी। अब भोले बाबा को भी चिंता लगी। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती ए पार्वती तुम मायके क्यों नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने कहा, मैं मायके नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने कहा, मैं मायके इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे मायके में जब मैं सती बनकर जन्मी थी तब दक्ष प्रजापति मेरे पिता ने तुमको श्राप दिया था कि तुम शमशान में निवास करोगे, शमशान में रहोगे। मेरा पति शमशान में रहता है तो मुझे मायके नहीं जाना। मेरा आपसे निवेदन है, जहां तुम रहते हो शमशान में, अब मुझे वहां जाना है, मुझे वहां ले। बहुत बहुत ध्यान देने वाली कथा है। ए हापुड़ की जीजी और हापुड़ के जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी ध्यान दें, बहुत समझने वाली कथा। पार्वती जी कह रही हैं, मैं मायके नहीं जाना चाहती, मुझे लेकर चलना है तो आपको मेरे पिता ने श्राप दिया था शमशान में रहने का, शमशान में चले, मुझे शमशान लेकर चले। और घर की बहू वही श्रेष्ठ है जो शमशान को भी स्वर्ग बना दे, वो घर की बहू है। पहले के जमाने में लड़कियां डरती थी शादी करने में, सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा। आज के जमाने में सास ससुराल पूरा डरता है, जगदम्बा कैसी आएगी। चार बार तो पंडित जी के पास जाती हैं, पंडित जी जरा मिलान करके बता दो, सब ठीक तो है, इसका चरण ठीक तो है। पंडित जी ने पूछा, तुम लड़की देखी आई, हाओ कैसी लगी? हम गए थे गुरु जी, हम मेरठ गए थे उसको देखने के लिए, गुरु जी हम उसको देखने के लिए गाजियाबाद गए थे, गुरुजी हम उसको देखने के लिए दिल्ली गए थे, गुरुजी हम उसको देखने के लिए यहाँ गए थे, गुरुजी हम उसको देखने वहां गए थे, हम 15 लोग लड़की देखने गए, गुरुजी लड़की इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है गुरुजी, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली, हमने जितना पूछा उतनी बोली, बहुत शालीनता, बहुत सीधी। गुरुजी हम उसका फोटो भी लेकर आए, जरा देखकर बताओगे कैसी है? गुरुजी बोले, अभी नहीं बोली है पर घर आएगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोले, अभी उसको आफत मोल लेना है, शादी करेंगे। पहले का समय था, लड़कियां डरती थी, सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, कौन कैसा मिलेगा। आज के जमाने में घर के लोगों को डर लगता है, हमारे एक बेटा, केवल एक बेटा है, भगवान से निवेदन है, बहू अच्छी है, उसको लेकर चले, परिवार को लेकर चले, नातों को लेकर चले, रिश्तों को लेकर चले। पहले के समय में चार पांच बेटे होते थे तो सास ससुर को भी लगता था, अगर एक भोजन नहीं देगी तो चलेगा, दूसरी नहीं देगी तो चलेगा, तीसरी के पास रह लेंगे, तीसरी ना देगी तो चौथी के पास रह लेंगे, कोई तो भोजन देगा। पर आज के जमाने में तो हम दो, हमारे दो, बाकी के घर में जो आए उनको बाहर। अब लेन देन केवल एक बेटा, एक बहू,
और बहू एक और मन में भाव आए कि मेरी मेरी बहू आए तो बहुत अच्छी आए, समझदार आए, समझ के अनुकूल आए, सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यास पीठ के माध्यम से हापुर की पवित्र भूमि से, नवरात्र के पावन अवसर पर ना कभी सास बुरी होती है ना कभी बहू बुरी होती है। मेरा कोई बेटी कभी बुरी नहीं होती, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। बहू अगर बुरी होती तो सास अपने जेवर तोड़वाकर शादी में बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती, और अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का घर छोड़कर तेरे घर नहीं आती। दोनों बुरी नहीं है, बुरी दोनों नहीं है, बस थोड़ा सा समय का चक्र, थोड़ा सा समय ऐसा आ जाता है जिस समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा काल चक्र घेरने लगता है तो घर में थोड़ा मन मिल नहीं पाता, स्थिर नहीं हो पाता, तो विवाद खड़ा हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि थोड़ा बेकार जो समय चल रहा है, काल चक्र जो चल रहा है, गलत समय चल रहा है, इसको थोड़ा सा दूर हट जाए, इतना इंतजार करो, थोड़ा शंकर जी को जल चढ़ाकर प्रयास करो कि मेरा दुख का जो समय है वो टल जाए, दुख की घड़ी है वो निकल जाए, ऐसा समय आए कि मेरा जीवन सार्थक हो और मेरा घर भी सार्थक हो, मेरा जीवन सार्थक, मेरा घर भी सार्थक। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास कर, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर, कुछ श्रेष्ठता देने का प्रयास कर। बोलो पार्वती, क्या कहना चाहती है, माइके क्यों नहीं जाना चाहती, बोल बोल, माइके क्यों नहीं जाना चाहती, किस लिए, क्या चाहती है। पार्वती जी ने कहा मुझे माइके नहीं देंगे, मुझे माइके नहीं, आप कृपा कर दीजिए, मुझे शमशान लेकर चलिए। शिव प्रसन्न, मेरे ओघड़दानी कब कर क्या कृपा करते हैं, मेरे शंकर कब करुणा कर देते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। पार्वती जी आज बड़े आनंद में बोल रही हैं मुझे कैलाश, मुझे शमशान जाना, और दुनिया का केवल एक ही स्थान है जहां अमीर गरीब सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम सम शान है। अमीर जाता है वो भी बांस में, गरीब जाता है वो भी बांस पे, अमीर जाता है वो भी घास पर, गरीब जाता है वो भी घास पर, अमीर जाता है वो भी सफेद कपड़े में, गरीब जाता है वो भी सफेद कपड़े में, अमीर जाता है वो भी राग का ढेर बन जाता है, गरीब जाता है वो भी राग का ढेर बन जाता है, बादाम खाने वाला जाता है तो भी राग बन जाता है, और गुलाब जामुन खाने वाला जाता है वो भी राग बन जाता है, सूखी रोटी खाने वाला जाता है वो भी राग बन जाता है। जिस जगह पर अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है, जो जाता है वो बांस पर जाता है। तुम्हारे यहाँ पर इधर हापुड़ में अगर डनलप के गद्दे पर जाते हो तो बात दूसरी, तुम्हारे यहाँ अगर कहीं बहुत करोड़पति मर जाए और उसको डनलप के गद्दे पर ले जाए तो बात दूसरी है। पर शिव पुराण कथा कह रही है अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में, जहाँ जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम सम शान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब राग का ढेर है, क्योंकि वो शंकर का धाम है। शिव के दरवाजे पर सबका लेवल बराबर होता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, शिव शिव है। आप लोग तो गंगा जी के पास में रहते हो, गंगा पैसे वाले को ज्यादा पार लगाती है कि गरीब वाले को ज्यादा पार लगाती है, बोलो जरा जल्दी से बोलो,
बोलो जम के रहे आप उड़वा दीजिए जियो। गंगा पैसे वाले को पार लगाती है कि गरीब को पार लगाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा ना पैसे वाले को पार लगाती है ना गरीब को पार लगाती है, गंगा तो भगवान की भक्ति करने वाले को पार लगा देती है। गंगा ये नहीं देखती कि पैसे वाला है कि गरीब है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की कथा में जाना तो अपने तन पर कोई सोना चांदी कोई हीरा पन्ना सोने की चैन ब्रेसलेट कोई सोने का सामान कोई आभूषण लेकर कथा में नहीं जाना। कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना। कीमती सामान लेकर कथा में मत जाना। 2-5 हजार रुपए की चप्पल पहनकर कथा में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा नहाने जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। शिव पुराण में जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। शंकर के दरवाजे पर जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। कितने लोग हैं, कितने लोग हापुड़ के जिनके बुजुर्ग मरे होंगे तो सोने का सामान पहनकर शमशान में गए होंगे। कोई गया बोलो तो जरा। कोई नहीं, रात को मरे तो आधी रात को सब नोच लेंगे चोटे। सबसे बड़े चोटे तो घर में ही है। रात को मरते सही इतने में बहू चिल्ला चिल्ला के कहेगी अम्मा मर गई, अम्मा मर गई, सब निकाल लिया। कान में सोने की मुर्गी डली थी और बहू को बेचैनी पड़ रही थी। अम्मा के कान में सोने की मुर्गी पति को 3 बार इशारा करा। पति रोते रोते बोला कैसे निकालूं? पत्नी बोली तुमसे कोई काम नहीं होगा, जिंदगी भर तुमने कुछ नहीं करा, मैं निकालूंगी देखो। और पत्नी ने लिया पल्लू और अम्मा सोई थी अर्थी पे वहीं चिल्ला के रोई यार अम्मा, और जो रोई और अम्मा के कान को दांत से दबोच लिया, मुर्गी को काट के मुंह में भर लिया और भर के धीरे से बोली मुझे चक्कर आ रहा है, मैं पानी पी के आई, अंदर गई और अलमारी में धरी आई। विनती करी करी जहां जगह मिल जाए वहां बैठ कर बड़े प्रेम से बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु काट।
जिनकी पवित्र कथा कह रही है, हम चाहें कथा के अंदर, आप चाहें गंगा नहाने के लिए जाएं, चाहे कथा श्रवण करने के लिए जाएं, आप चाहें शिवालय जाएं, देवालय जाएं, भगवान के मंदिर देवालय शिवालय कहीं पर भी जाएं, अपना सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रत्न मणि मोती सब छोड़कर चले सब अपने घर पर छोड़ो, फिर भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ। भगवान शिव तुम्हारे आभूषणों से या तुम्हारे रतन से या तुम्हारी माणिक मोती सोना चांदी से शंकर नहीं रीझते, शिव रीझते हैं तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा से। शंकर रीझते हैं तुम्हारे भरोसे से, बिना विश्वास के शिव रीझता भी नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मेरे को शमशान जाना, क्यों, किस लिए? भगवान देवदेव महादेव ने जब पूछा तो पार्वती जी कहती हैं कि आपको श्राप लगा है कि आप शमशान में रहेंगे, आपको श्राप है, आप शमशान में रहे, तो मुझे भी शमशान में। सतयुग त्रेता द्वापर इन सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रबल सबसे प्रथम महाशमशान अगर किसी को कहा जाता है तो वो काशी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा, काशी। महाशमशान की गणना अगर करी जाती है, महाशमशान अगर कहा जाता है, महाशमशान अगर बोला जाता है, सतयुग में भी महाशमशान काशी को कहा गया, त्रेता में महाशमशान काशी को कहा गया, द्वापर में महाशमशान काशी को कहा गया, काशी महाशमशान। शिवजी को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो शंकर भगवान कौन से शमशान में रहते? काशी में मेरे ओघड़दानी रहते। शिवजी कहते हैं चल पार्वती मैं तुझे लेकर चलता हूं शमशान। कुछ कृपा फिर निवेदन, थोड़ी मेहनत हाथ की बाकी कृपा भोले, थोड़ी मेहनत आपको करना, थोड़ा परिश्रम आपको करना, थोड़ा प्रयास आपको करना, फिर बाबा पर छोड़ एक पत्र। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है, हमारा गांव धतूरी है जो जिला बुलंद शहर में आता है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हैं बच्चे आए साथ में लिया आ जाओ, लिया दोनों बच्चों को लिया लिया। गुरुजी, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है, हमारा गांव धतूरी है जो कि जिला बुलंद शहर में। गुरुजी, पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम सुशील शर्मा, हमारा गांव धतूरी है जो कि जिला बुलंद शहर में है। एक लोटे जल का
मैं महत्व क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुजी मेरी शादी को हम 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल 15 साल 18 साल इंतजार करते रहे। 19 साल हमने इंतजार करा। 19 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं। शादी को 19 साल निकल गए गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी कह दिया था। डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आप कभी मां नहीं बने गुरुदेव। डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट के माध्यम से मुझे बता दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। गुरुजी मेरी बड़ी बहन अंजू शर्मा ने बताया, सीहोर वाले मिश्रा जी कथा करते हैं और उनकी शिव महापुराण की कथा उमा पब्लिक स्कूल से ग्रेटर नोएडा में चल रही है। जिस समय पर 2023 में आप उमा पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आए थे, तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि इनकी कथा यहाँ हो रही है और मैंने उनकी कथा में सुना है, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर। पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने अपनी बहन से कहा तो क्या मैं कथा में आ जाऊं। मैं अपना गांव धतूरी छोड़कर केवल एक दिन के लिए कथा में पहुंच गया और एक दिन की कथा मैंने ग्रेटर नोएडा के पंडाल में बैठकर श्रवण करी। श्रवण कर बाबा को प्रार्थना कर वहां की रज को प्रणाम करा और नमन कर बाबा से विनती करी, बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की आप गोदी भरते हो, झोली भरते हो। बाबा आज मैंने भी कथा सुनी है, आप कृपा करना। डॉक्टर ने मना कर दिया, 19 साल हो गए शादी को। डॉक्टर कहते हैं मैं कभी माँ नहीं बन सकती, पर तेरी कृपा होगी तो सब होगा। मेरी बहन एक दिन की कथा सुनाकर मुझे अपने घर ले आई और मुझसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव मंदिर में खड़ी होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध मैंने बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत हम पति पत्नी ने दोनों ने करा। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। कथा के केवल 2 महीने बीते थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर मुझे क्या मालूम था कि सारा दुख मुझ पर ही भगवान ने लिख दिया है। मेरे भाग्य में इतना दुख लिखा है भगवान ने, मैं नहीं जानती थी गुरुदेव। मेरा गर्भ तो ठहर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं। मुझे क्या मालूम था कि मेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे गर्भ में थे। पर गुरुदेव मेरी डिलीवरी डॉक्टर ने कह दिया 9 महीने तक नहीं रुक सकता। मेरा 5वां महीना पूर्ण हुआ था, 6वां महीना मुझे लगा था और 6ठे महीने के केवल 12 दिन हुए थे गुरुदेव, और मेरा गर्भ दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अभी ऑपरेशन कर दोनों बच्चों को निकालना पड़ेगा। 6 महीना 12 दिन के मेरे 2 बच्चे थे। मैं ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाती, उससे पहले मैं शंकर जी के पास चली गई। शिव जी को दोनों हाथों से जल चढ़ाते हुए बोली, बाबा तू मेरी लाज मत रख। पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि शंकर है हाथ पकड़ने वाला तो दुख क्या होगा। 6 महीने में मेरा बच्चा जन्म ले रहा है, 6 महीने में मेरे बच्चे जन्म ले रहे हैं। 6 महीने के बच्चे तो जीवित भी नहीं रहते बाबा, तू बचा ले मेरे बच्चों को। 19 साल के बाद मुझे औलाद हुई है। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6 महीना 12 दिन के मेरे दोनों बच्चों को ऑपरेशन कर निकाला गया और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये 6 महीने के दोनों बच्चे जीवित कैसे है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटे अच्छे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, उनका फोटो भी लगा रही हूँ और कथा में लेकर भी आई हूँ। मैं दोनों बच्चों को प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्त्व शंभु, एक लाइन उन्होंने लिखी है, गुरुजी डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 6 महीने के बच्चे दोनों जीवित कैसे रह सकते, ये आश्चर्य का विषय है। तब डॉक्टर से हमने कहा, हम शंकर पर भरोसा करते हैं और एक लोटे जल के बल पर ही चलते हैं। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने।
जाने रे बाबा तू ही जाने। मैं पूजा शर्मा, पति सुशील शर्मा, धतूरी तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास, शंकर के प्रति तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल है। आप शिव को क्या दे रहे हैं? आप शंकर को क्या प्रदान कर रहे हैं? फिर निवेदन है, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, हापुड़ नगर की इस पवित्र धरा से फिर निवेदन है, आप सबसे विनती है। मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, धन से कभी नहीं छीना। इस पवित्र भूमि से यही विनय है कि मेरा शंकर कभी भी धन से नहीं छीनता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को रिझाने के लिए तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन प्रबल चाहिए। शिव तुम्हारे करीब में आ जाएंगे, शंकर तुम्हारे नजदीक में आ जाएंगे। शिव को रिझाने के लिए हृदय दिल चाहिए, हृदय चाहिए। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। एक पत्र और है। मेरा नाम सौरभ, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से आया। आप ही आ जाओ, एक बेल पत्र लगाओ। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सौरभ है, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं संगीत सीख रहा हूँ, मेरा दिल्ली संगीत में सीख रहा हूँ। और दिल्ली में संगीत का ऑडिशन देने गया था तो पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा अब नहीं जाऊंगा ऑडिशन देने के लिए, और मैं अपने घर आ गया। बड़ा दुखी हुआ, तभी आपकी कथा मेरी माता के कहने पर मैंने श्रवण करी और शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब जल चढ़ाना प्रारंभ किया, गुरुजी मैं बाबा को नहीं जानता था, मैं शंकर पर इतना विश्वास तो नहीं करता था जितना आपकी कथा पर करा, और विश्वास कर कर मैं शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को लगाकर मैं ऑडिशन के लिए फिर अप्लाई करा, और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ गुरुदेव। जब चौथी बार मैं शंकर पर भरोसा कर पूरी मेहनत के साथ गया तो मेरा ऑडिशन में हो गया सिलेक्शन। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। ये शिव है, शंकर है। शिव जी पार्वती से भगवान देव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती को अपना उपदेश, सारी समस्या का हल बोलबम का नारा है। शिव से अपनी बात, ओगड़दानी से अपने हृदय की बात। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे शमशान जाना है। चल पार्वती, मैं तुझे शमशान लेकर चल। अमीर गरीब सबका लेवल जहां पर सम है उसी का नाम सम। सब बराबर, सबका लेवल। चल चल। भगवान देवदी ने महादेव पार्वती को नंदी पर बिठा लिया। नंदी
शिव तत्व भगवान नंदी पर पार्वती जी को बिठाना है और नंदी पर माता पार्वती को बिठाकर भगवान शंकर कैलाश काशी के लिए चले जाए। जब काशी में पहुंचे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, सुन पार्वती, तू मेरे साथ शमशान में चल तो रही है, महाशमशान में तू मेरे साथ चल तो रही है, पर एक बात सुन ले पार्वती, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा, तो शमशान में दुख देखकर बड़ी परेशान हो जाएगी पार्वती। पार्वती जी कहती हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो शमशान जाना है, आपके साथ में आपको श्राप लगा है शमशान में रहने का, मुझे शमशान में रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है कि पति अगर तकलीफ में है तो धर्म पत्नी का फर्ज है उसको बीच मझधार में ना छोड़े, कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देती हुई उसको आगे बढ़ाकर ले जाती, आगे बढ़ाकर ले जाती, कदम से कदम मिलाकर पति के साथ में आगे बढ़ते हुए चले। छह महीने के ये बच्चे हुए, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बच्चे जीवित कैसे रहे। बहन ने लिखा, रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने दे दिया, दोनों आंसू रोना बंद कर और दे दे। तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, पतन क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में जाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु आर कर तू, बखान क्या करो मैं राखूं पटी भवोत में गे खजाना कुबेर का। इन्होंने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कभी माँ नहीं बन सकता। अभी दोनों रो रहे थे ना, वो रोने का कारण केवल इतना है कि डॉक्टर मना कर दिया था कि माँ नहीं बन सकती, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना नियम है। उन्होंने पत्र में लिखा कि ग्रेटर नोएडा की केवल एक दिन की कथा में अपनी बहन के साथ पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा को प्रार्थना करी, तुम मेरी लाज न रखे, पर वो सीओर वाला प्रदीप मिश्रा भी तो बोलता है कि बाबा झोली भरता है, मैं पंडाल में आई हूँ विनय करने के लिए, तेरी कृपा हो, तेरी करुणा हो, तेरी दया हो।
छह महीने के बच्चों को जन्म दिया। छह महीने का बच्चा डॉक्टर कहता है कि कैसे रह गया, आश्चर्य है। और बाबा की कृपा से दोनों बेटे बाबा ने संभाले। बाबा के थे, बाबा ने संभाले। कुबेर भंडारी, उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है। लोग आते हैं दीपावली की रात्रि को अपने घर की पूजन कर कर सीधे सीहोर आ जाते हैं। सीहोर में आकर दीपावली की रात्रि को दीप प्रज्वलन करते हैं मंदिर के प्रांगण में, बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर। और दीपावली के दूसरे दिन खजाना लेते हैं, बाबा से मांग कर ले जाते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ, अब की खजाना ऐसा दे दे कि अगली बार मैं भी खजाना लुटाने के लिए आऊं। और बाबा खजाना दे कर दे। इसीलिए दीपावली की रात्रि को कुबेर भंडारी के यहाँ लोग दीप लगाने सीहोर पहुंच जाते हैं, कुबेरेश्वर धाम। रात को रुकते, भजन करते, दीपावली मनाते, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते। शिव तत्व एक भरोसा अपने भीतर जागृत करी। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती शमशान में दूसरे का दुख नहीं देखा जाएगा, तकलीफ नहीं देखी जाएगी। कैसे सहेगी पार्वती जी? कहने लगी मुझे तो जाना शमशान में, काशी में। पार्वती जी चली गई। देवदी महादेव माता पार्वती जी के साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती का ध्यान गया एक छोटे से बच्चे पर जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। केवल 5 वर्ष की आयु है उस बालक की। केवल 5 वर्ष की। पार्वती जी ने देखा छोटा सा बच्चा शमशान में अपने माता, उसके प्राण छूट गए हैं माता के, और बच्चा हाथ में अग्नि की हंडी लेकर आगे आगे चल रहा है। पीछे चिल्लाने वाले राम नाम सत्य चिल्ला। बच्चा चिता पर मां लेटी है, अंतिम संस्कार हुआ है। माता पार्वती का ध्यान उस बच्चे पर था जो 5 वर्ष की आयु का उस काशी की पवित्र भूमि पर जिसकी माता का अंतिम संस्कार हो रहा है। पार्वती का ध्यान, जो माता पार्वती का ध्यान गया, बच्चा अपनी माता का अंतिम संस्कार कर रहा है। इतनी देर में माता पार्वती एक बूढ़ी माँ का रूप रखती रखती उस बच्चे के पास में पहुंच गई। एक बुजुर्ग का रूप रखकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर, किस रूप में परमात्मा आता है, कैसे रूप में भगवान आता है कोई नहीं जानता। एक पत्र, मेरा नाम प्रियंका नामदेव है, मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। मेरा नाम प्रियंका नामदेव है, मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मैं मेरा नाम
प्रियंका नामदेव, पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पीलकुआ जिला हापुड़ के निवासी हूँ गुरुदेव। पहले मैं आपको नहीं जानती थी, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको नहीं जानती थी और ना ही आपकी कथा सुनती थी। मैं काफी समय से परेशान चल रही थी क्योंकि मुझे ओवरी में गठान हो गई थी और गठान का साइज भी बड़ा था, जिसका सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। फिर मुझे मेरी मौसी ने, जिनका नाम उर्मिला है, उन्होंने मुझसे कहा तुम रोज मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो और घर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल लाकर उसको पिया करो। गुरुदेव, मैं मंदिर, मेरा घर मंदिर के पास था शंकर के। मैं जब भी जाती मंदिर के सामने से निकल कर जाती, मंदिर को प्रणाम कर जाती, क्योंकि मेरे घर के रास्ते पर वही मेरा आने जाना का मंदिर रास्ता था। लेकिन मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई। गुरुदेव, शिव के मंदिर कभी नहीं गई, पर मेरी मौसी के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनती और कथा सुनकर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बाबा की मैं क्या कृपा करूं, क्या वर्णन करूं। मैं रोज जब मंदिर जाती, मेरी मौसी कहती कि तू एक काम कर, तेरी गठान अगर बढ़ रही है, गांठ अगर बढ़ रही है, तो एक काम कर, मंदिर में झाड़ू पोछा लगा। पंडित जी ने मुझे मंदिर की चाबी दे दी। मैं 3 बजे रात को उठती, मंदिर में 4:45 पर पहुंचकर मंदिर की पूरी सफाई करती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा की सेवा करती। गुरुदेव, सीहोर गई 2023 अक्टूबर के महीने में। मैं सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष लेकर आई। मैं अपने ऑफिस जा रही थी, 9 फरवरी का दिन था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ पर बाबा की कृपा से मैं बची, मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, मैं शंकर के मंदिर जाती, रुद्राक्ष का जल शंकर जी को समर्पित करती और जल को पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार मेरी जांच हुई और बाबा की कृपा से जितना साइज मेरे गठान का था, बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी और मेरे गठान का साइज कम हुआ और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूँ। बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। मेरा नाम प्रियंका नामदेव, मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पीलकुआ जिला हापुड़ का निवासी। ये शिव, ये शंकर की ओखड़ भर। जब हम कोई भरोसा भगवान शंकर पर करते हैं, जब हम विश्वास भगवान शिव पर करते हैं, तो शिव हमें संसार करता ही है, शंकर हमें समान करता है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो नदी पारे फसारे, अपने दये लगा लो गिरा जा रहा हो, ठहरो ठहरो। माता पार्वती जी बड़ी दुखी होकर, माँ पार्वती जी छोटे छोटे बच्चे को देखा, 5 वर्ष का बच्चा अपनी माता के लिए रो रहा है। 5 वर्ष का बच्चा अपनी माता के लिए रुदन कर रहा है, रो रहा है, रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है उस बच्चे के। बूढ़ी का रूप लेकर माँ पार्वती वहां पहुंची, बूढ़ी और देख रही थी माता पार्वती। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। माता की, उस बालक की माता की चिता में आग लगी और जितने परिवार वाले थे वो आपस में बैठकर बात करने लगे। आपस में बैठकर बात कर रहे हैं।
एक ने कहा इस बच्चे का तो अब पिता भी चले गया, माँ भी चली गई, अब अकेला रह गया, इसको कौन रखेगा, कौन संभालेगा इसको, कौन रखेगा इसको, कोई रखने को तैयार नहीं। चिता में आग लगी, रिश्तेदार पीछे से धीरे 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 कर चले गए। बच्चा तो रोने में लगा था, 5 वर्ष का बच्चा, माता पार्वती जी उसको देख रही थी। माता पार्वती देख रही, बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ी, बच्चा रो रहा, रिश्तेदार चले गए, परिवार चले गया, अकेला बच्चा रो रहा है, अकेला। रोते 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 उस बच्चे ने देखा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आंखों से आंसू भरकर रो रहा था, बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर माता पार्वती जी ने उस बच्चे को बिठा दिया। माता पार्वती जी ने एक एक हाथ पकड़कर बच्चे को एक स्थान पर बिठाया और माता पार्वती जी वहां से चली चली। पार्वती जी कहीं जो पहुंची काशी के उस पवित्र प्रांगण में जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे थे, शंकर भगवान के पास में पार्वती जी जाकर जो बैठी, शंकर भगवान ने पूछ लिया, पार्वती क्या हो गया, क्या हुआ क्या। पार्वती जी ये नहीं जानती कि शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया है वो डमरू कोई साधारण नहीं है, उसकी नाद साधारण नहीं है, उस डमरू की धुन पर ही ये सारा चक्कर चल रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। सब शंकर और फिर निवेदन, सुख भी वही दे रहा और दुख भी वही दे रहा, कष्ट वही दे रहा और सारा कार्य भी वही दे रहा, सुख भी वही दे रहा और दुख भी वही दे रहा, सब कार्य वही कर रहा। शंकर भगवान ने पूछ लिया पार्वती जी से, पार्वती जी बताओ, शिव जी ने पूछा पार्वती जी से, बोल पार्वती क्या बात है, क्या हुआ बता। पार्वती जी कहती हैं छोटा सा बच्चा, उसकी माँ शांत हो गई, उसका पिता शांत हो गया और पूरे परिवार के लोग उसको छोड़कर चले गए। उसकी माता भी शांत हो गई, उसके पिता भी शांत हो गए, 5 वर्ष का बच्चा अपने पूरे परिवार को छोड़कर, परिवार वाले उसको छोड़कर काशी में शमशान की धरा पर छोड़कर चले गए। मैं बड़ी दुखी हूँ। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैंने तुझसे कहा था कि शमशान में मत चल, तो दुखी हो जाएगी, शमशान में मत चल, दुखी हो। पर पार्वती को क्या मालूम था, ये तो शंकर का चक्कर, शिव का चक्कर, और कैसा चक्कर चलाया रे हे शिव, ऐसा। दो दिन की कथा हो रही है, कल तो कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक है, पंडाल में भी और टीवी पर। कल हमारे शास्त्रों के अनुसार बड़े आनंद के साथ में, जैसा शिव महापुराण में हम लोग वर्णन करते हैं कि कथा का जैसे 7 दिन की कथा है तो 6ठा दिन हमारे यहाँ शिवरात्रि के रूप में मान, उसी तरह 5 दिन की कथा है तो 4th दिन हमारे यहाँ शिवरात्रि के रूप में मानना है, और 5वें दिन परसों के दिन जो कथा होगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, और 11 बजे कथा विराम होकर सब अपने अपने घर को चले जाएंगे, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे आती रहेगी। कल की कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक है, पर परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और सब अपने घर फिर टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर कथा का रास्ता शुरू करेंगे। 2 दिन और कथा के, बड़े प्रेम से सुनो, अपने जीवन को आनंदित करो, करो बाहु से।
शंकर भगवान की पवित्र कथा बड़े भाव से विनय करेंगे। सब अपने स्थान पर बैठकर बाबा का नाम स्मरण दिल से जो आप कहने आए हो बाबा से बाबा से जरूर साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो बाबा देवादिन महादेव का चरित्र कथा शिव कथा कहते हैं। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती से, पार्वती क्या हुआ, क्यों दुखी, क्या हुआ तेरी आंख में आंसू क्यों, हुआ क्या तेरा। पार्वती जी कहती है ये छोटा सा बच्चा, माँ चली गई, पिता चले गया, परिवार के लोग छोड़कर चले गए, भूखा है, भूखा है ये बच्चा, तो क्या चाहती है। पार्वती जी ने कहा दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है, ये रिश्ते नाते तो उसके पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद बनते हैं। मैं चाहती हूँ भोलेनाथ संसार में जितने अनाथ उसका एक नाथ विश्वनाथ बन जाए, उसका एक नाथ विश्वनाथ। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती मैं तो विश्वनाथ बन जाऊंगा, मैं विश्वनाथ हूँ और हो जाऊंगा, पर पार्वती ये संसार में जितने भूख से बिलख रहे इनके लिए तुझे अन्नपूर्णा बनना पड़ेगा, इनके लिए तुझे अन्नपूर्णा बनना पड़ेगा। पार्वती जी शिव जी को वचन देती हैं कि अपने शंकर के भक्त का पेट भरने के लिए संसार के संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पार्वती अन्नपूर्णा बनेगी, पार्वती अन्नपूर्णा बने और माता पार्वती अन्नपूर्णा बन गए। माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप धारण कर और अन्नपूर्णा का रूप धर कर भगवान शंकर की विधि भक्ति करती हैं। बालक को माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप रख कर गई और उस बालक को ले जाकर एक स्थान पर बिठाकर पूर्ण भोजन तृप्त कर माता अन्नपूर्णा ने उन्हें वर प्रदान कर दिया। महाराज बोल अन्नपूर्णा माता विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। भगवान शंकर की पवित्र
पवित्र कथा कथी है शिव पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ था। सदानंद कार्तिक के भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रगट होते हैं। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है बड़े भाव के साथ। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। हरियाणा वालों के लिए बौड़ी सुंदर आनंद के साथ सूचना, दीपावली के बाद 4 नवंबर से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक कथा रहेगी। फरीदाबाद हरियाणा में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक हरियाणा वालों के लिए बड़ी बड़ी साधुता है। पूरे हरियाणा वालों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा में कथा रहेगी, जिसके यजमान रहेंगे श्री प्रवीण पाराशर जी और संपूर्ण फरीदाबाद हरियाणा के रहने वासी। एक बार जोरदार ताली बजाकर फरीदाबाद वालों को बहुत बहुत साधुवाद। बड़े प्रेम से आनंद से आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। आरती के यजमानों के नाम आशीष जी पुकार रहे हैं। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ शिवा टूरिस्ट ढाबा को, स्वर्गीय पंडित अवनीश शर्मा जी की स्मृति में, श्रीमती वंदना शर्मा जी को, निशांत शर्मा जी को, श्री प्रिंस शर्मा जी को, आराध्या शर्मा जी हापुड़ को, जिन्होंने हापुड़ उत्तर प्रदेश के यजमान पद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया और पूरे परिवार को कल्याण किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिवा टूरिस्ट ढाबा को बहुत